वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु जिस पर कृपा ब्राह्मण होती यह किसी की कृपा का प्रसाद नहीं, ये ब्राह्मणों की कृपा का प्रसाद है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता आज तू कहिए किन मोगी पार बार बिनमो मुनि तो इस राम के लिए क्या आज्ञा है? राघव, शिव का धन जिसने तोड़ा है वो दास हमारा का होगा? अलिका जैसे कर काम कोई कैसे मुझको प्यारा होगा? जिससे जग को त्राण मिला, जिससे मानवता बच पाई, जिससे मुनिवृंद हुए निर्भय देवों की मर्यादा बच पाई, उस अजगों को जिसने तोड़ा है राम, वो कैसे शिव का प्यारा होगा? कैसे शिव का प्यारा होगा? तुम उल्टा पाठ पढ़ाते हो कि दास हमारा होगा। राघव, क्या सेवक यही धर्म है? क्या सेवक यही कर्म है? क्या सेवक यही आचरण है? नहीं राम, सेवक का धर्म क्या कहता है? सेवक को जो करे सेवक में इस भूतल पर आता है, मेघों तक बढ़ता है, सागर में चलता है, वही नन्ना बालक बड़ा हुआ तो जलयान के माध्यम से समुद्र में चल रहा है। सागर में चलता है, सभी जगह जाता है, पर वहां नहीं जा पाता है। सभी जगह जाता है पर वहां नहीं जा पाता है। वहां कभी जब जाता है तो चार जनों के कंधों पर ही जाता है। अंतिम यात्रा में ये चल भी नहीं पाता, पहुंचाया जाता। कैसे कैसे लोग गए, उत्तर मिलता है। धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं। कोई धनवान है, कोई बलवान है। धन वालों के, बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर चुप होकर चित लेते हैं। मरघट पर देखिए, नारी छूट गई जब नर की, प्रियजन इतना ही कर पाए, कंधे पर रख कर के केवल मरघट तक ले आए। कैसे कैसे लोग आए, जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले। सर्दी बहुत है लेकिन घरों में व्यवस्था है ऐसी। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, तप्त यंत्र तहकाकर भवनों को गर्माने वाले। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, जब समय आ गया चलने का तब धनवंतर काम न आए। नारी छूट गई जब नर की, प्रियजन इतना ही कर पाए, कंधे पर रख कर के केवल मरघट तक ले आए। अब कहां गए वो महल दुमहले, सैया के आडंबर, पुलक भरी बहना की राखी, तिरिया के आलिंगन, सावधानियों का
चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, चाहे जितनी हम दवाइयां लेके चले, लेकिन कवि कहता है सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, और सभी झमेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। जब ये प्राणों का पंछी उड़ जाता है तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है, मिट्टी है अब तो, कहते हैं कि जब प्राणों का पंछी उड़ जाता है तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है, सजी सजाई हुई दिवाली होली सी जल जाती है। रास्ता बहुत लंबा नहीं है जीवन का, इसलिए संभल करके चलो, और चलने की आवश्यकता है। दूरी कितनी है जिंदगी की, तो कवि कहता है मां की गोदी से लेकर और मरघट तक सबको इतना ही चलना है। अब इनके भाग्य में नहीं है तो इन्हें नहीं चलना है, लेकिन हम सब लोगों का गंतव्य यही है, मां की गोदी से लेकर और मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने भी चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। गंतव्य एक है, जीवन का सार है, यदि मार देते तो सही, मरना तो निश्चित है, मृत्यु का जन्म शरीर के जन्म के साथ ही हो जाता है, और ये काया के साथ छाया बन के लगी रहती है, संकेत मिलता है आगोश में ले लेती है। तो मैं सोचता हूं कि अब इनके लिए दो फूल तो चढ़ाई देता कि मरने के बाद ये कहें कि बालक जैसा भी था लेकिन अंत में पुष्पांजलि को दिया। अवधपुरी में परसुमनाथ एक फूल नहीं फुलवारी है, नप दशरथ ने और फूल फूल प्यारी वो खूब संभाली है, हाय चार रंग के फूलों में ये लखन लाल मुनि लाल फूल और श्वेत शत्रुघ्न श्याम राम श्री भरत है भूरे रंग फूल, इन चार रंगों के फूलों से फूली रहती जो फुलवारी, जिसका रखवाला श्याम फूल गंभीर सिलयत सरधारी, ओ ऋषिवर इस फलवारी के ओ ऋषिवर इस फलवारी के अंतर्गत जो फस जाओगे आएगा काम न चाप पर सुख सीधे उस ओर सधाओगे, ये फूल फूल कर फूल रहा रहा और फूल है दशरथ प्यारी का, पर फूल फूलना बंदर होगा इन पीरों की फलवारी का। राजकुमार लक्ष्मण मरघट के परिपेक्ष में कुछ पंक्तियां तुमने समाज के को प्रदत्त किए हैं। मैं विचार ये करता हूं कि संसार में आने वाला व्यक्ति जाएगा, पर नीतिम कुल कर्म तुम जायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पिछाते ना प्रसिद्धित अकर्मणा। जब तक शरीर है तब तक कर्म करना पड़ेगा। अरे बच्चों को भगा है बहुत। नेत्र खोलना बंद करना ये भी कर्म है,
सांस लेना ये भी कर्म है। तो जब तक शरीर की यात्रा है तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए आने के बाद जाना है, पर मैं ये कहना चाहता हूं, निर्माण हो या विध्वंस हो, पर कर्म को करना पड़ेगा। और सत्कर्म या दुष्कर्म में से एक को चुनना पड़ेगा। अब ये जीव की प्रवृत्ति जैसी हो वैसा वो चयन कर सकता है। मरने की अगर बात करो तो जीव है शाश्वत सनातन। ये जीव है शाश्वत सनातन, अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो। जीव है शाश्वत सनातन, तत्व ब्रह्म विधान का